राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह आप सभी के समक्ष कोर्स कोड 504 के तहत विद्यालय गणित शिक्षा में समस्याएं और कमियों पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले हम यह जान लेने की कोशिश करें कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 में गणित के बारे में क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है हमें एक ऐसे गणितीय परिस्थिति की बारे में अग्रसर होना है जिसमें सभी बच्चे गणित सीख सकें और सभी बच्चों को गणित सीखने की ज़रूरत है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा दें। स्कूली गणित जिन परिस्थितियों में सीखा जाना चाहिए वे हैं, बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, गणित बच्चों के जीवन अनुभव का हिस्सा हो जिसके बारे में वे बातें करें, बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करें और हल ढूंढें, बच्चे संबंधों और संरचनाओं की सोच बनाने में अमूर्त विचारों का प्रयोग करें और बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, तथा शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे प्रत्येक बच्चे को कक्षा की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ कर रख सकें। अब हम विद्यालय गणित शिक्षा में समस्याओं और कमियों पर कुछ चर्चा प्रस्तुत करते हैं। इसमें पहली समस्या यह है कि ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव है। दूसरी समस्या है पाठ्यचर्या, जो कि छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही असहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। तीसरी समस्या है मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियाँ, जो गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। और अगर हम आगे की समस्याओं को देखते हैं तो इसमें चौथी समस्या है गणित शिक्षण के लिए शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव है। इसके साथ साथ हम अगर समस्याओं पर ध्यान दें तो अन्य व्यवस्थागत समस्याएं भी परिस्थिति को और अधिक जटिल बना देती हैं। इस अर्थ में कि सामाजिक भेदों की संरचनाएं गणित शिक्षा में भी परिलक्षित होती दिखाई देती है। अब इन समस्याओं के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहली समस्या जो है कि बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव है। हमने अक्सर यह देखा है कि बच्चे गणित से काफ़ी डरते हैं, वे गणित कक्षा में जाना नहीं चाहते हैं, वे गणित के शिक्षक से भय खाते हैं। आवश्यकता यह है कि हम इस समस्या का समाधान करें, बच्चे गणित से प्यार कर सकें, गणित शिक्षक से निर्भयता के साथ मिल सकें एवं गणित की कक्षाओं में आनंदपूर्वक गणित करने का मजा ले सकें। अगर हम दूसरी समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमारी पाठ्यचर्या यानी गणित की पाठ्यचर्या छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग या गिफ्टेड चाइल्ड के साथ साथ असहभागी बड़े वर्ग या कहा जाए जो गणित में पीछे रह जाते हैं दोनों को ही निराश करती है। हमारे पाठ्यचर्या में प्रतिभाशाली वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है, और इसी के साथ जो बच्चे गणित में पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी कुछ प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह दोनों परिस्थिति वास्तव में ही निराशाजनक स्थिति है। पुनः अगर हम गणित में मूल्यांकन पद्धतियों के ऊपर सोचें तो मूल्यांकन की पद्धतियाँ भी काफ़ी अपरिष्कृत है, जो कि गणित के यांत्रिक गणनाओं की शक्ति का ही जाँच करती है। वो गणित में गणितीय सोच, गणितीय प्रक्रिया, गणितीय समझदारी, गणितीय दृष्टिकरण इत्यादि को बढ़ावा नहीं देती। हम सिर्फ साल भर के गणितीय अध्ययन को एक वार्षिक परीक्षा के साथ कुछ पूर्णांकों में समझने की कोशिश करते हैं। ये वास्तव में एक सही प्रक्रिया नहीं है। गणित में कुछ अंकों को प्राप्त कर लेना बच्चों के गणितीय समझ को नहीं प्रदर्शित करता है। अगर वास्तव में यह जानना है कि बच्चे गणित में कैसा कर रहे हैं तो इसके लिए यह जरूरी है कि उनके गणितीय समझ को परखा जाए। वे अपने दैनिक जीवन में गणितीय समस्याओं को किस प्रकार हल करते हैं उसको वो भली भांति कर सकें। इसके साथ साथ सभी बच्चों को एक ही मूल्यांकन विधि से मूल्यांकन करना ये भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। कुछ बच्चों को आप
प्रश्नों को पूछकर मूल्यांकन कर सकते हैं, वहीं कुछ बच्चों को कुछ गतिविधियों के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। सभी बच्चे अगर विभिन्न विधियों से गणितीय मूल्यांकन में शामिल हों तो अवश्य ही गणितीय मूल्यांकन और बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम गणित के शिक्षक के बारे में ध्यान दें तो गणित के शिक्षक भी अगर देखा जाए तो आज के नए नए शिक्षण विधियों से अवगत नहीं हैं। गणित के शिक्षक ज़्यादातर संसाधनों के अभाव से अपनी शिक्षा को भलीभांति छात्रों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वह ज़्यादातर पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों को हल कर विद्यार्थियों को गणित समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं आज गणित के क्षेत्र में बहुत सारी नई नई शिक्षण विधियाँ शामिल की गई है और जिसको गणितीय शिक्षक को समझना जरूरी है और उसको वास्तविक ढंग से विद्यालय में प्रयोग करना भी जरूरी है। अगर उन विधियों जिनमें गणित को करके सीखा जाता है या गतिविधियों के द्वारा प्रतिदर्शित करके सीखा जाता है तो अवश्य ही बच्चे गणित बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। इसके साथ साथ गणित शिक्षक को यह कोशिश भी करना चाहिए कि वह आसपास से उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में या शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सके, इसके बारे में वो अपने आप को तैयार करें और गतिविधियों के द्वारा ही गणित सिखाने का प्रयास करें तो अवश्य ही शिक्षक शिक्षार्थियों के करीब जा पाएंगे और शिक्षार्थी शिक्षक से डर के नहीं अपितु गणित सीखने के लिए मिला करेंगे और अपने प्रयत्नों को अपने प्रयासों को उनके साथ साझा करेंगे। विद्यालय गणित शिक्षा में अन्य व्यवस्थागत समस्याएं परिस्थिति को और अधिक जटिल बना देती है, इस अर्थ में कि सामाजिक भेदों की संरचनाएं गणित शिक्षा में भी परिलक्षित होती दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अगर हम यह समझें कि अगर हम किसी विद्यार्थी से यह कहते हैं या बार बार कहते हैं कि आपसे गणित नहीं हो सकेगा या आप गणित नहीं सीख पाओगे, ये कहीं भी उचित नहीं है। इसी तरह अगर यह कहा जाए कि लड़के लड़कियों से बेहतर गणित जानते हैं, ये भी कहना उचित नहीं होगा। यह भी कहीं ना कहीं गणित के क्षेत्र में समस्याओं को जन्म देती है। अब हम जब इन समस्याओं को अपने सामने देखते हैं तो इन समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए, इसके बारे में भी सोचने का प्रयास करते हैं। NCF 2005 में यह सुझाव दिया गया है कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों या नैरो एम से हटकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ या ब्रॉडर एम्स की तरफ स्थानांतरित हो। प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता के भाव के साथ जोड़ा जाए कि वे गणित कर सकते हैं, वे गणित सीख सकते हैं, तथा साथ ही साथ उदयमान गणितज्ञ के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियां प्रदान किया जाए। अगर हम पहले सुझाव को समझने की कोशिश करें तो गणित की विषय वस्तु को गणित सीखने से गणित के वातावरण की तरफ मोड़ने के प्रयास को बतलाता है। अतः हमें गणित सिखाने पे ज़्यादा जोर देने से अच्छा है कि हम गणितीय वातावरण का निर्माण करें, प्रक्रियाओं के पूरे विस्तार को महत्व दिया जाए, औपचारिक समस्या समाधान, स्वतः शोधन विधि का प्रयोग, अनुमान और सन्निकटन, प्रतिरूपों का प्रयोग, दृश्यकरण, निरूपण, तर्क संबंध स्थापित करना, गणितीय संप्रेषण इत्यादि प्रक्रियाओं को बच्चों के सामने रखा जाए, जिससे कि यह प्रक्रियाएं बच्चों के मस्तिष्क से गणित के अभय निकालने में सहायक हो सकेंगी। इस तरह के बदलाव का एक निहितार्थ यह होगा कि हम विविध प्रकार के उपागमों, विधियों तथा समाधानों को अपनाएंगे और इस तरह से हम बेहतर ढंग से गणित बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। मूल्यांकन के विषय में हम यह सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं को पुनः संरचित करने की ज़रूरत है ताकि गणित में अनुत्तीर्ण होने की घटनाएं कम हो सके, तथा दूसरी ओर उच्च स्तर के लिए हम यह सुझाव देते हैं कि परीक्षाओं को और अधिक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जो कि अवधारणाओं की समझ और दक्षताओं का मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन या परीक्षाओं को और सतत एवं व्यापक बनाया जाए, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित हो,
प्रामाणिक हो एवं सभी आयामों पर आधारित एवं उद्देश्यपूर्ण हो, अतः मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को और सतत बनाया जाए, अर्थात हम बारी बारी बहुत सारे परीक्षाओं के द्वारा या बहुत सारे विधियों के द्वारा बच्चों के मूल्यांकन कर उनमें गणितीय सुधारों को जांच सकें, गणितीय अवधारणाओं की समझ को परख सकें और यह जान सकें कि वास्तव ढंग से वो गणित सीख रहे हैं या नहीं। आगे हम यह भी सुझाव देंगे कि छात्रों को नए अध्ययन के लिए तत्पर किया जाए और उनकी तत्परता का आंकलन भी किया जाए कि वह कब गणित सीखने के लिए तैयार हैं और उसी समय उन्हें गणित सिखाने का प्रयास किया जाए। गणित की शिक्षा को छात्रों के वास्तविक जीवन के घटनाओं से जोड़ा जाए, जिससे कि वह यह समझ सके कि गणित से केवल पुस्तक मात्र में उल्लेख किया हुआ एक विषय नहीं है, बल्कि उनका उनके दैनिक जीवन में भी काफ़ी प्रयोग मिलता है। इसी के साथ छात्रों को स्वतंत्र ढंग से समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। कक्षा संवाद, सहभागिता, विभिन्न सहकारी एवं सहयोगी स्थितियों को प्रोत्साहन करना, यह भी गणितीय शिक्षा में जरूर ही बेहतर भागीदारी निभा सकता है। अर्थात नए विधियों के द्वारा आज शिक्षा की बात कही जा रही है, उन सभी विधियों को गणित शिक्षण की विधा में प्रयोग किया जाए। आवश्यक यह है कि शिक्षार्थियों को सुनने, प्रश्न उठाने के लिए एवं जांच के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ साथ उनकी तार्किक सोच विकसित किया जाए एवं चरित्र चित्रण भी प्रस्तुत किया जाए। वे हो सके तो अमूर्त को भी समझने की कोशिश करें, इसका भी प्रयास होना चाहिए। इसके साथ साथ उनमें अनुमान लगाने, अनुमान का सन्निकटकरण, अनुकूलन पैटर्न का उपयोग, दृश्य प्रतिनिधित्व, तर्क और सबूतों का उपयोग करने की सामर्थ्य को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर सुझाव पाठ्यचर्या के चुनाव के तरफ दिया जाए तो शिक्षा की वर्तमान ऊंची कद वाली और घुमावदार संरचना, जहां एक अवधारणा दूसरी अवधारणा के ऊपर निर्मित होती है और विश्वविद्यालय गणित का रूप ले लेती है, से हटकर विस्तृत और सीधी सपाट संरचना की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर कई विषय आसपास के जीवन से जुड़े हुए हों। यदि समझने की प्रक्रियाएं जैसे ज्यामितीय दृश्यीकरण के विषय वस्तु को समझने में परेशानी हो, तब हमें विषय वस्तु को कम करने की आवश्यकता है, ना कि ज्यामितीय दृश्यीकरण को पूरा हटा देने की। इसके अतिरिक्त हम स्थगन के सिद्धांत पर भी विचार कर सकते हैं, अर्थात अगर कोई विषय बाद की अवस्थाओं में उच्च अभिप्रेरणा के साथ पढ़ाया जा सकता है तो वही करना उचित होगा, न कि बिना अभिप्रेरणा के महज तकनीकी तैयारी के साथ किसी भी तरह किसी भी कक्षा में पढ़ा दिया जाए। शिक्षकों के लिए सुझाव यह है कि वह समस्या प्रस्तुत करने की तकनीक के माध्यम से समस्या सुलझाने के कौशल का विकास करें। गणित में उचित धारणाओं के विकास के लिए प्रोत्साही स्थितियों का निर्माण एवं गलत धारणाओं का उन्मूलन करें। लैब आधारित कक्षाओं एवं गतिविधियों का आयोजन करें। अनौपचारिक रचनात्मक मूल्यांकन और एक अनुकूल सीखने के माहौल को प्रोत्साहित करें। ये सभी सुझाव पर अगर शिक्षक चलते हैं तो अवश्य ही गणितीय शिक्षण में बेहतर परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। शिक्षकों के लिए अन्य सुझाव में हम यह बताना चाहेंगे कि वे अपने लिए या विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए अधिक से अधिक संसाधन सामग्री अपने विषय वस्तु के अधिगम के दौरान या शिक्षण के दौरान प्रयोग करें, जो कि उनके शिक्षण को और अधिक बेहतर बनाएगा। इसमें प्रयास ये होना चाहिए कि जो संसाधन आसानी से उन्हें मिल जाए, उन्हीं का प्रयोग करके वे बच्चे को गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का प्रयास करें। उपयुक्त वांछित अधिगम परिणामों की पहचान की जाए, अर्थात हम बच्चे से किसी अवधारणा के मूल्यांकन के समय हम क्या परिणाम चाहते हैं, इसको उचित ढंग से समझ लेना आवश्यक है। उन्हीं परिणामों को सामने रखकर बच्चे का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होगा।
इसी तरह स्कूली शिक्षकों के स्वयं के मध्य और उनके तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मध्य नेटवर्किंग या संबंध होना भी आवश्यक है, जिससे कि वह विद्यालय गणित में क्या नए नए बदलाव आ रहे हैं उनको समझ सकें और उन सभी बदलावों को अपने शिक्षण में प्रयोग कर सकें। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने गणित के विषय में क्या क्या समस्याएं और कठिनाइयां हैं उन पर विचार विमर्श किया है। हमने साथ में ही यह भी जानने का प्रयास किया है कि इन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे गणितीय शिक्षण अधिगम को और बेहतर बना सकते हैं। आशा है आप सभी को यह कक्षा बहुत ही लाभदायक प्रतीत होगी। धन्यवाद।